हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह इवनिंग में मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज और उनका नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या होगा, ये हम देखने की कोशिश करेंगे। सो आज हम देखेंगे इस डेक से आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, इससे हम देखेंगे आपके पर्सन की अभी इस वक्त क्या एनर्जी है, किस एनर्जी में है आपके पर्सन, और लास्ट में मैं नेक्स्ट एक्शन में रूनस भी इंक्लूड करूंगी। तो रून से और कार्ड से दोनों से हम देखेंगे कि अगला कदम क्या हो सकता है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिव लेवल पे करंट एनर्जीज क्या चल रही हैं आज के दिन में। करंट एनर्जीज आपके पर्सन की, किस एनर्जी में है आपके पर्सन। फर्स्ट कार्ड है हर्मिट, देन वी हैव टू ऑफ वांड्स, फोर ऑफ वांड्स, सेवन ऑफ वांड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, एम्प्रेस। टू मोर कार्ड्स, नाइन ऑफ सोर्ड्स, वन मोर कार्ड, किंग ऑफ वांड्स। बॉटम ऑफ द डेक है क्वीन ऑफ वांड्स विद द लवर्स, कपल आ गया यहाँ पे, कलेक्टिव एनर्जी है सक्सेस। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि कपल को पहले हम साथ में रख देते हैं क्योंकि यहाँ कपल आया हुआ है। यहाँ पर ऐसी एनर्जी है, सबसे पहले साइन बता देती हूँ, फायर साइन बहुत स्ट्रांग है। वी हैव वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स फायर एनर्जी एंड कलेक्टिव एनर्जी इज ऑल्सो फायर। तो यहाँ पे एरीज लियो सेजिटेरियस बहुत स्ट्रांग है और आपको पता है कि जो आने वाला फुल मून है जो कि आई थिंक चार पाँच दिन के अंदर आने वाला है, एग्जैक्ट डेट नहीं याद मुझे लेकिन आई थिंक फोर या फिफ्थ फेब को है, तो वो फायर एनर्जी में है, वो है लियो में। लियो क्या है? लियो है सूर्य की एनर्जी, लियो है राजा, लियो है सक्सेस, लियो है अथॉरिटी, लियो है डोमिनेटिंग एनर्जी, किसी को अपने ऊपर नहीं आने देता। राजा के ऊपर कोई चढ़ के नहीं बोल सकता तुमको ये करना है, ठीक है, वो कोई ऑर्डर नहीं लेने वाले, वो जो ऑर्डर देंगे वो मानना पड़ेगा। तो इस एनर्जी में आएंगे आपके पर्सन, शिफ्ट होगी एनर्जी उनकी, स्विच होगी एनर्जी, तो ये आपको उनकी एनर्जी से फील हो जाएगा। उनकी जो एनर्जी होगी उससे आपको ये बातें लगने लगेंगी कि अब वो किसी से दबेंगे नहीं, किसी के प्रेशर में आके कोई डिसीजन नहीं लेंगे, वो वही डिसीजन लेंगे जो उनको लेना है, ठीक। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर जो एनर्जी है उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें और भी निकल कर आई हैं। अगर आप दोनों अभी सेपरेशन में हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों के कमेंट्स हैं कि उनका यूनियन हो गया, कुछ लोगों का यूनियन अगर अभी तक नहीं हुआ है तो सब्र रखें, यहाँ पर यूनियन की एनर्जी है, बहुत सारे लोगों का यूनियन होने वाला है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि आपके लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है या आपके पर्सन के लाइफ में अगर थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी के साथ हैप्पी नहीं है। ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि आपके पर्सन उस थर्ड पार्टी से, उन ऑब्स्टेकल से बाहर निकलना चाहते हैं। यहाँ पे स्टैंड की एनर्जी है, स्टैंड लेना चाहते हैं आपके पर्सन आपके लिए। बहुत अकेला फील कर रहे हैं, इम्बैलेंस एनर्जी में, स्लीपलेस नाइट है, टेंशन बहुत ज़्यादा है, दो में से एक को चूज़ करना चाहते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी की डोमिनेंस नज़र आ रही है। सबके लाइफ में थर्ड पार्टी अलग अलग लोग हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सबके लाइफ में करियर ही थर्ड पार्टी है या सबके लाइफ में कोई फीमेल या मेल ही थर्ड पार्टी है, सबके लाइफ में सिचुएशन अलग हो सकती है। यहाँ पर बहुत सारी सिचुएशन आई है बट वो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपकी क्या सिचुएशन है। यहाँ पे लव लाइफ में चीट की भी एनर्जी है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोई धोखा खाया हुआ पर्सन भी है जो ऑलरेडी आपसे पहले किसी से धोखा खा चुकी है या खा चुका है, जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहा, कमिटमेंट नहीं दे रहा।
कई लोगों की लाइफ में मदर की एनर्जी है, कई लोगों के लाइफ में ऑलरेडी मैरिड है हस्बैंड या वाइफ की एनर्जी है, कई लोगों के लाइफ में करियर की एनर्जी है, कई लोगों के लाइफ में ट्रेडिशंस की एनर्जी है, तो यहाँ बहुत सारी एनर्जी है। कई मैरिड कपल्स हैं जिनके लाइफ में मैरिज होने के बाद प्रॉब्लम शुरू हुई है, पहले सब कुछ सही था अब प्रॉब्लम में है, तो यहाँ पर बहुत सारी एनर्जी है। तो मैं सबकी एनर्जी पिक करके आपको एक एक करके नहीं बता सकती, बट हाँ फिर भी मैंने कलेक्टिवली बताई है। तो ये एनर्जीज़ हैं आपके पर्सन की, और जो भी प्रॉब्लम है यहाँ पर वो सफरिंग में है। इस सफरिंग से आपके पर्सन बहुत जल्द बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी में कपल्स का यूनियन नज़र आ रहा है। ये जो एनर्जी है ये बता रही है कि बहुत सारे कपल्स का यूनियन होने वाला है, कुछ लोगों को तो कमिटमेंट भी मिल जाएगी। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो यहाँ पर, अगर आप सेपरेशन में हैं तो यहाँ पर मैरिड कपल्स के भी मैसिव यूनियंस नज़र आ रहे हैं। तो ये करंट सिचुएशन दिखी है इस डेक से। आइए देखते हैं करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके पर्सन की, अभी इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। केमिस्ट्री, आपके साथ जो केमिस्ट्री है उसे बहुत ज़्यादा याद करते हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि आपके साथ एक मैग्नेटिक पोल इन्हें फील होता है, एक मैग्नेट की तरह कनेक्शन फील होता है, अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है। ये चीज़ें यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली निकल कर आ रही हैं। यहाँ पर है बहुत सारे लोगों के पर्सन ऐसा भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या आपके लव लाइफ में कोई और आ गया है, क्या आपका किसी के साथ कोई और अफेयर तो नहीं चल रहा, क्या आपके लाइफ में कोई दोस्त है, अगर तो उस पर शक कर सकते हैं। आपके पर्सन आपको ऐसा जता सकते हैं या ऐसा फील करा सकते हैं कि डेफिनेटली यू डिज़र्व हिज और हर लव, उनका जो प्यार है वो आप डिज़र्व करते हो। काफ़ी लोगों के लाइफ में आपके पर्सन आपको और अच्छे से जानने की कोशिश कर सकते हैं। हो सकता है वो कुछ इस तरह के मैसेजेस आपको दें कि वो आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आपके लाइफ में क्या है, आपके लाइफ में कौन कौन मैटर करता है, कौन मैटर नहीं करता है। इस तरह के क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं, क्या खाना पसंद है, किस तरह से रहना पसंद है, क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर अच्छी हैं या क्या क्वालिटीज़ आपके अंदर बुरी हैं। डायरेक्टली या इनडायरेक्टली घुमा फिरा के ये चीज़ें जानने की कोशिश करें। कहीं आप मनी ओरिएंटेड तो नहीं हो, मनी माइंडेड तो नहीं हो, आप किसी भी तरह से रह सकते हो, आपके लिए लव इम्पॉर्टेंट है या पैसा इम्पॉर्टेंट है, बहुत कुछ आपके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। करेंट फीलिंग्स में ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं। अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, ये तो मैंने पहले भी बोल दिया, केमिस्ट्री का कार्ड आया तभी। यहाँ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग है, आपकी तरफ मिलना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। एंड कलेक्टिव एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है सोलमेट एंड रिकन्सिलिएशन, मतलब बहुत सारे लोगों का कनेक्शन पास्ट लाइफ से रिलेटेड है एंड रिकन्साइल की एनर्जी है। अगर आप सेपरेशन में हैं तो आपके पर्सन रिटर्न आ जाना चाहते हैं आपके पास, वापस आने की एनर्जी है। तो ये करंट फीलिंग्स आज के दिन में निकल कर आई हैं गाइस। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। सबसे पहले हम नेक्स्ट एक्शन रून से देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे टैरो से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में, प्लीज़ गाइड करें क्या एनर्जी है नेक्स्ट एक्शन में, क्या हो सकता है। यहाँ से सबसे पहले तो पावर की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के जो पर्सन हैं वो पावरफुल डिसीजंस लेने वाले हैं। यहाँ पे जस्ट गो विद द फ्लो की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के पर्सन फ्लो में बहते चले जा रहे हैं। हर्मिट का कार्ड आया था और यहाँ से भी ऐसा का कार्ड रून है जो कि बता रहा है कि बहुत ज़्यादा अकेला फील कर रहे हैं आपके पर्सन, आइसोलेटेड फील कर रहे हैं। कई लोगों के पर्सन को कुछ पता ही नहीं है। यहाँ पर इस रून को मैं नील बटा सन्नाटा बोलती हूँ, बिकॉज ये जो हैं जैसे हैं वैसे ही पड़े हुए हैं। इन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई एक्शन नहीं ले रहे, कुछ नहीं कर रहे, बिल्कुल साइलेंट है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के पर्सन को तो जैसे होता है ना कि आप रो लो, परेशान हो लो, ब्लॉक कर दो, अनब्लॉक कर दो, पैर पे गिर जाओ, फिर भी उनका कोई रिएक्शन नहीं रहेगा। तो कुछ लोगों के पर्सन ऐसे हैं। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास जो एनर्जी है वो है बहुत सारे लोगों के लाइफ में नेक्स्ट एक्शन में कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे सडनली कोई गेटवे खुलेगा और आप लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो उसमें छूमंतर हो जाएंगी। यहाँ पर पावरफुल डिसीजन की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत ही स्पीडली ग्रोथ आपके रिलेशनशिप में हो सकती है, सडन ग्रोथ। यहाँ पे मूवमेंट की एनर्जी है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में मूवमेंट नज़र आ रहा है लव लाइफ में।
कुछ लोगों के लव लाइफ में सडन प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा था, सडनली आपके पर्सन की तरफ से कुछ आपका कर्मा ट्रिगर करेगा, पिछले लाइफ का कोई कर्मा, जिसकी वजह से या तो सडन ब्रेकअप होगा या तो सडनली वो आपसे दूर चली जाएंगी या चले जाएंगे। कुछ ऐसी सिचुएशंस आएंगी जो आपको दूर कर देंगी, तो ये भी कुछ लोगों के साथ होना नेक्स्ट एक्शन में दिखा रहा है रून से। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बोला है कि सैटर्न वीनस का कंजंक्शन है और कंजंक्शन तो 10-15 दिन की एनर्जी है, काफ़ी लोगों को ट्रिगर करेगी, लेकिन इसके बाद भी जैसे जिसके कर्म होते हैं, जितना समय कर्म में लिखा है उतने ही टाइम पीरियड का आपका बंधन होता है, रिलेशनशिप होता है, उसके बाद आपके लाइफ से वो चीज़ें कट ऑफ होती हैं। अगर सोलमेट है या अगर आपका उनके साथ कोई डीप रिलेशनशिप है जिसमें अभी आपके साथ पेंडिंग कर्माज हैं, तो ही वो रिलेशनशिप, जैसे हस्बैंड वाइफ हो गए, 50 साल, 60 साल, 90 साल साथ रह रहे हैं, जब तक डेथ नहीं हो जा रही, कई लोगों का रिलेशनशिप रह रहा है, काफ़ी अच्छा रह रहा है, कई लोग उसी में रोते गाते लड़ते भिड़ते बिता रहे हैं, झेल रहे हैं, उस पर परेशान हैं क्योंकि बच्चे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सेपरेट होना इतना ईजी नहीं है, तो उसी में झेल रहे हैं। ये भी एक कर्मा है, पास लाइफ के एनिमीज़ को एक ही हाउस में भेज दिया टू रिजॉल्व देयर कर्मा, तो ये भी एक कार्मिक अकाउंट है। अगर आपके 7th हाउस में आपके पर्सन की जो एनर्जी है, अगर आपका पास्ट लाइफ बॉन्ड है उनके साथ, कुछ ना कुछ अच्छे कर्मा है, तो आपकी मैरिड लाइफ में 4 चांद लग जाएंगे। कुछ कपल्स आपको दिखते होंगे वो बुज़ुर्ग हो गए लेकिन उसके बावजूद उनके अंदर एक बॉन्डिंग है, साथ ही में चाय पियेंगे, यहाँ तक कि शादी में भी स्टेज में एक दूसरे का हाथ पकड़ के चढ़ेंगे जैसे फ्रेश कपल चढ़ता है, तो जब तक वो उनकी वाइफ आनी जाएंगी वो खड़े रहेंगे, वेट करते रहेंगे। आपने कई ऐसे दादाजी, मौसाजी, फूफा जी को देखा होगा, तो वो वेट करते हैं। तो आजकल के टाइम में तो आप देख रहे हो कि बहुत प्रॉब्लम्स है मैरिज में, तो ये क्यों है? क्योंकि आपके पास्ट लाइफ एनिमीज़ को आपके अकाउंट में डाल दिया गया है कि भैया अपने कर्मा मिल बैठ के सॉर्ट आउट कर लो, और अगर इस जन्म में भी सॉर्ट आउट नहीं किया, क्लिंज नहीं किया, तो फिर अगला जन्म मिलेगा, फिर कर्मा साइकिल आगे बढ़ेगी। तो ये चीज़ें हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्मिक अकाउंट्स हैं जो क्लियर होने वाले हैं। ठीक, तो अगर आपके पर्सन से सडनली आपको ये सुनने मिले कि अरे उनकी तो शादी हो गई, या सडनली आपको ऐसा मैसेज मिले कि अरे उन्होंने तो इंगेजमेंट कर लिया, आपको बताया भी नहीं, तो आप समझ लें कि ऐसा पर्सन तो आपका कार्मिक ही हो सकता है, जिससे इतने भी फिक्र नहीं है कि उसको पता चलेगा, या कम से कम मैं उसको हिम्मत करके बता दूँ जो मेरे लिए बैठी हुई है या बैठा हुआ है। तो जो इतना नहीं कर सकता वो आपका साथ क्या निभाएगा, है ना? तो इस तरह के कुछ सडन ट्रिगर्स भी कुछ लोगों को ये रूनस बता रहा है कि मिल सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट एक्शन में क्या चीज़ें निकल कर आ रही हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स नेक्स्ट एक्शन मेरे व्यूवर्स की तरफ। पहला कार्ड है कॉन्शियसनेस, सेकंड कार्ड वी हैव पॉलिटिक्स, थर्ड कार्ड वी हैव मोरालिटी, फोर्थ वी हैव एडवेंचर, फिफ्थ वी हैव द क्रिएटर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लवर्स। कलेक्टिव एनर्जी हमारे पास टोटेलिटी, तो टोटल हमारे पास आए हैं 7 कार्ड्स विथ कलेक्टिव एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए ट्रांसफॉर्मेशन एंड द लवर्स की एनर्जी है, तो कुछ लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली या मैरिड लाइफ में स्पेशली मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है, सडन स्विच, और ये जो स्विच है ये बहुत पॉजिटिव है। कुछ लोगों के लाइफ में, जैसा अभी रूनस ने बताया, कुछ लोगों के लाइफ में आपके पर्सन ने मास्क लगा रखा है, तो बी अवेयर ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सन, जो बाहर से आपसे बहुत प्यार से बात करता है या करती है और पीठ पीछे आपको हर्ट कर रहा है या करने का प्लान कर रही है, तो आपको समझने की ज़रूरत है। और जब आप मेडिटेशन करते हैं, जब आपके चक्रा हील होते हैं, तो आप इंसान को देखकर बता सकते हो कि इसके मन में क्या चल रहा है, इसके दिल में क्या है, इसकी आँखों में क्या है, और ये आगे चल के इसके साथ क्या फ्यूचर है। इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ क्लियर योर ब्लॉकेजेस, वीडियोस भी बना रखी हैं हील योर 7 चक्रा, अगर आपको ज़रूरत हो तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो नंबर है 1, बिकॉज वी हैव 1111। सबसे पहले तो यहाँ पर 1 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में 1 आवर, 1 डे, 1 वीक, क्योंकि 7 की एनर्जी है नेक्स्ट, तो विद इन अ वीक आपके लाइफ में कुछ मेजर चेंजेस होंगे। जो चेंजेस होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं, सिवाय कुछ लोगों के, कुछ लोगों के लाइफ में किसी का चेहरा मास्क हटेगा, उसका जो एक्चुअल फेस है वो आपके सामने आएगा, जैसे रूनस ने बताया था वही नेक्स्ट एक्शन में भी आया है। बाकी ज़्यादातर लोगों की एनर्जी बहुत पॉजिटिव है, बहुत क्रिएटिव है। आपके पर्सन आपके साथ इस रिलेशनशिप में फ्यूचर देखते हैं और इस रिलेशनशिप में स्टैंड भी लेंगे। यूनियन की एनर्जी वाइब्स बहुत स्ट्रांग है। देखते हैं मैसेज क्या है आज के दिन में आपके लिए
एंजल्स क्या कहना चाहते हैं आपसे। पहला मैसेज है आपके लिए द ग्रेट गैदरिंग, इट्स ऑल कमिंग टुगेदर, इंट्यूटिव हिट्स सोल ट्राइब। आप में से बहुत सारे लोगों को किसी तरह का विजन आ सकता है, अननोन लोग बहुत ज़्यादा, आप एस्ट्रल ट्रैवल किसी पहाड़ पर हैं या किसी सुनसान जगह पे हैं जहाँ पे अननोन लोग आपसे बात कर रहे हैं, या कुछ सफ़ेद सफ़ेद ड्रेस में आपको कुछ लोग दिखते हैं, तो आप समझ लेना कि आप की इंट्यूशन पावर बढ़ रही है और आपके कोई रेल्म से जो भी असेंडेंट मास्टर्स हैं वो आपको रीच आउट करने की कोशिश कर रहे हैं या आपके एंसेस्टर्स। यू गो फर्स्ट द यूनिवर्स विल कैच यू। आपको आगे बढ़ना है, आपको हिम्मत करनी है, बाकी यूनिवर्स आपको पहुंचा देगा वहां तक जहां आपको जाना है, जहां आपकी डेस्टिनी है। नहीं भी जाना चाहेंगे तो कॉलर पकड़ के पहुंचा देगा, मेरे साथ तो ऐसा ही हुआ है, कॉलर पकड़ के ही पहुँचाया गया है मुझे, मतलब ज़बरदस्ती पहुँचाया गया है। ठीक, पिलर ऑफ लाइट, यहाँ पर जो एनर्जी है, योर वाइब्रेशन इज राइजिंग, यू आर द ओरेकल। आपकी जब वाइब्रेशन राइज होती है तो आप एक ओरेकल की तरह बन जाते हो, आप खुद तो चेंज होते ही हो, खुद तो अपने लाइफ में लाइट लेकर ही आते हो, आप दूसरों को भी लाइट करते हो, दूसरों को भी आप लाइटन करते हो, उनको ज्ञान देते हो, उनको अपने एक्सपीरियंस से उनको प्रोवाइड करते हो चीज़ें कि हाँ वो भी अपनी लाइफ के बुरे वक्त से बाहर निकल पाएँ, पॉजिटिव हो पाएँ, उनको भी प्रकाश मिले, उनको भी लाइट मिले। और लास्ट मैसेज है आज के लिए द एज ऑफ लाइट। वाह, मैंने लाइट का नाम लिया तो लाइट का ही कार्ड आ गया यहाँ पे। सो वी हैव द एज ऑफ लाइट, यू हैव बीन ट्रेनिंग फॉर दिस फॉर लाइफ टाइम। हो सकता है कई लाइफ से आपको ये ट्रेनिंग दी गई हो कि आप इस लाइफ में ये काम कर सकें, कई जन्म लगे हों आपको यहाँ तक पहुँचने के लिए। ट्रस्ट योर पाथ, अपने पाथ पर विश्वास करें, जो पाथ पर आपको भगवान भेज रहा है आपके अच्छे के लिए भेज रहा है। सो ये थी आज की रीडिंग एंड गाइडेंस, होप आपको कुछ हेल्प मिले। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।